नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर नगर निगम का वर्तमान बोर्ड लगातार अपनी कार्यशैली के चलते घोटालों का प्राय बनता जा रहा है। कभी वर्तमान बोर्ड का विपक्ष तो कभी खुद ही के बोर्ड के पार्षद या समिति अध्यक्ष के द्वारा एक के बाद एक कई घोटाले खुलकर सामने आए। हालात अब तो यह बन चुके हैं कि प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाले पदाधिकारियों के बाद निगम से ठेका लेकर काम करने वाले ठेकेदार भी अपनी तिजोरियों को भरने का सही मार्ग एक छुपे हुए घोटाले को ही मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निगम के विद्युत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निगम में अलग अलग विभागों में अधिकारियों के सहायतार्थ ऑपरेटरों के काम को करने के लिए 2013 में एक निविदा निकाल अनिशा कंपनी के ठेकेदार को कई नियमों के साथ निगम के ठेका प्रथा में 30 कंप्यूटर ऑपरेटर को मासिक 11,876.61 रुपये की पगार में से पीएफ 1125 और ईएसआई 281 जीएसटी काट कर निविदा कर्मी को 8,658.61 रुपये पर नियुक्त करवाया गया, जिसका ठेका अनिशा कंपनी के ठेकेदार कैलाश मेनारिया और कुलदीप सोनी को दिया गया है। निगम के ठेकेदार के पास यह ठेका पिछले 13 साल से है। पिछले लंबे समय से कंपनी के ठेकेदार से शोषित हो रहे 6 कंप्यूटर ऑपरेटर ने ठेकेदार के द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ दबी आवाज़ में कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष कौशल रामेटा को बताया। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा कंप्यूटर ऑपरेटर ने। अनिशा कंप्यूटर कर गया उसका। कैलाश मेनारिया कौन है? वो भी है, ठेकेदार भी है। थोड़ा दो जगह साइन कर रहा है। दो हाजिरियाँ होती है। क्यों होती है? एक ठेकेदार की हाजिरी होती है, एक यहाँ ऑफिस में भी हाजिरी होती है। एक वहाँ 14 नंबर में होती है और एक नीचे पे विवाह पंजीयन वाले में होती है। और ठेकेदार स्वयं यही नौकरी कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? आपको सही बताओ, मुझे भाई हो मेरे, कितने रुपए देते हैं? दे रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं, 10,000 भी नहीं मिलते। पर इतना ज्यादा तो फिर इतना शोषण है। 7,500 रुपए करीब। एक्चुअल में होता है ना, हमारा यहाँ से एक तो होता है काम करने के बाद भी वो अनएम्प्लॉयड है, वो स्थिति है। बोलिए हम बैठे हुए हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रोज भी बैठा हूँ, पर काम करने के बाद भी होता है कि वो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, वो होता ही है। वही तो बात हो रही ना, इतना पैसा 7,500 रुपए दे रहे हैं। बताओ, मैं घर में रहता हूँ, किराए घर में रहता हूँ, 5,000 मेरे घर का किराया है। अब मैं 7,500 में क्या करूँगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तेल, गाड़ी का तेल भरूंगा कि मेरी सेविंग करूंगा? एक जना और कौन है? एक का नाम तो आया कैलाश मेनारिया, एक जना और है, दो जने कैलाश मेनारिया और एक कुलदीप करके। हाँ, दो जने मेरे को ये ध्यान है। अरे बहुत भारी स्थिति सर। इस पर कांग्रेस पार्षद गौरव प्रताप के नेतृत्व में मदन बाबरवाल, वतुल आपा, गणेश शर्मा और कौशल आमेटा नियुक्त निगम आयुक्त और ऑपरेटर को लेकर निविदा करने वाले विद्युत विभाग के अधिकारी रितेश पाटीदार से मिले। ठेकेदार द्वारा हो रहे शोषित ऑपरेटरों को पूरी पगार दिलाने के लिए आगे आए। उन्होंने बताया कि कंपनी का ठेकेदार पूरी पगार को 30 कंप्यूटर ऑपरेटरों के खातों में ट्रांसफ़र तो कर देता है, लेकिन उसके बाद वह आधी के करीब तनख्वाह वापस या बैंक के अकाउंट या के माध्यम से या डिजिटल मेथड से वापस ले लेता है। संबंधित जानकारी को लेकर जब हमने निगम के विद्युत विभाग के अधिकारी रितेश पाटीदार से बात की तो सारे तथ्यों को उनके सामने रखा तो निगम विद्युत विभाग के रितेश पाटीदार ने सारी बात सामने आने पर आश्चर्य जताते हुए बताया कि मेरे विभाग में भी एक कर्मी कार्यरत है, लेकिन उसने कभी इस संदर्भ में कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ तक यह भी बताया कि जब भी कभी अपनी तनख्वाह का हवाला देते हुए कहा कि तनख्वाह कम पड़ती है, तो इस पर पाटीदार ने कहा कि हर माह अपनी तनख्वाह में से 3,000 रुपये कंप्यूटर ऑपरेटर को देता हूं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल बनता है कि जब ठेकेदार के द्वारा संबंधित कार्यों को करने के लिए कार्य पर नियुक्त होने से पहले ही जब ऑन हैंड 8,664 की मासिक पगार बताई, तो ऐसे में आखिरकार कंप्यूटर ऑपरेटर की मासिक पगार कम कैसे पड़ रही थी। हालाँकि बात की जाए तो यह भी स्पष्ट है कि आखिरकार विद्युत विभाग के रितेश पाटीदार ने 3,000 देना तो उचित समझा, लेकिन ये जानना उचित नहीं समझा कि आखिरकार संबंधित व्यक्ति के तनख्वाह कैसे कम पड़ रही है, आखिरकार तनख्वाह आ क्या रही है। हालांकि मामले के खुलासे के बाद निगम में इस बात को लेकर हड़कंप का माहौल बन गया। वहीं दूसरी ओर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बात भी सामने आई कि दोनों ही ठेकेदार 30 कंप्यूटर ऑपरेटरों में स्वयं दो ऑपरेटर के तौर पर भी कार्यरत है, जहां पर सबसे बड़ी बात है कि
और भी आश्चर्यचकित सामने आई। कैलाश मेनारिया और कुलदीप सोनी जो कि अनिशा कंपनी के मुख्य ठेकेदार है, वह दोनों भी निगम के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त है, जिसमें से कैलाश मेनारिया आमजन को पट्टे देने का काम करने वाले विभाग में तो ऑपरेटर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निगम उप महापौर पारस सिंघवी के द्वारा भी कई बार कैलाश मेनारिया को हिदायत देते हुए निगम परिसर में न आने की बात कही गई है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि जहाँ उप महापौर पारस सिंघवी ने कैलाश मेनारिया को निगम परिसर में हिदायत दी गई हुई है, वह आखिरकार निगम परिसर में प्रवेश करने के साथ ही संबंधित विभागों में पहुँच आखिरकार कैसे रहा है। हालांकि अधिकारियों से वार्ता के दौरान कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप और कौशल आमिटा मामले की उचित जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, विद्युत विभाग में जो ठेका दिया गया है वो ज्ञान अनुभव कर्मशीलता के अनुसार ठेका का वेतन कर्मचारियों को दिया जाता है। अगर कर्मचारी तक वो वेतन नहीं पहुंचता है, वो वेतन कटता है, उस वेतन में घोटाला होता है, ठेकेदार वेतन काट के कर्मचारी तक पहुंचाता है, उसका अर्जना जनता भुगतती है। वो कर्मचारी या तो चोरी करता है या काम चोरी करता है। अनुभव के अनुसार अगर वेतन नहीं दिया जाएगा, अनुभव के अनुसार कर्मचारी को नहीं देखा जाएगा, उसका अर्जाना पूरा शहर अंधेरे में भुगत रहा है। हमने यही मांग रखी है कि जो भी संबंधित ठेकेदार हैं जो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, कर्मचारियों के साथ धोखा कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई निगम करें। यथावत ये ना हो कि जिन कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है उन पर कार्रवाई हो जाए, ताकि भविष्य में कभी भी कोई सत्य के साथ खड़ा होकर अपनी परेशानी ना बता पाए। हमारा यही निगम से निवेदन है, बोर्ड से निवेदन है कि यथावत कार्रवाई करें, ठेकेदारों को पाबंद किया जाए और सख्त कार्रवाई पर उन पर हर्जाना लगाया जाए। 2013 से नगर निगम में ठेके पर कंप्यूटर पर 30 लेडीज और जेंट्स रखे गए थे और काफ़ी समय से ये चल ही रहा था। कंप्यूटर ऑपरेटर परेशान है, परेशान है। तो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते रोज़ निगम आते हैं, तो हमारी बात हुई थी तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने ये बोला है कि सरकार की तरफ से हमारे को 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, हमारे को महीना होने पर 7,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, वो पैसे काट लिए जाते हैं। उसके बावजूद 7,500 रुपये में से भी जो ठेकेदार है तनख्वाह मिलते ही उनको बोलता है कि 1,500 रुपये मेरे खाते में डालिए आप। अगर इस तरह काम करने वालों को हनन होगा तो वो कहीं ना कहीं चोरी के रास्ते पे जाएंगे, काम के प्रति सजग नहीं रहेंगे। और जो ठेकेदार हैं, सबसे बड़ी बात है, जो दोनों ठेकेदार हैं कुलदीप जी सोनी और कमलेश कैलाश जी मेनारिया, वो दोनों मेन जो निगम की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, एक तो पट्टे बांटने में लगे हुए हैं और एक भवन शाखा में ड्यूटी पे हैं। मेरा तो निगम के अधिकारियों से यही कहना है कि जो व्यक्ति ने ठेका ले रखा है वो निगम में मेन शाखा में कैसे बैठे हुए हैं। उसके बावजूद आज हमने जब रितेश जी से बात की है वो उनसे यही निवेदन किया है कि जो काम कर रहे हैं उनका जो हनन हो रहा है उसमें आपकी क्या राय है। और सबसे बड़ा घोटाला ये है, निगम के ऑफिस के अंदर ही जहाँ पे कर्मचारी साइन करता है उसके पास में ही एक ऑफिस बना रखा है जहाँ पे ठेकेदार अपना रजिस्टर लेके अलग आता है और वो उसमें साइन करवा के वो पास वाले में साइन करवा देता है। इससे कहीं ना कहीं लग रहा है निगम तो घोटालों का अंबार है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की लिप्तता इसमें नजर आ रही है। अगर किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी जा रहा है, यूँ तो निगम में हर कोई जाके चला जाएगा, वो बड़ा घोटाला कर लेगा तो पता नहीं चलेगा क्या? इससे साफ जाहिर हो रहा है नगर निगम जो अभी बोर्ड है, छठा बोर्ड है निगम का, इसमें घोटालों का अंबार है। उसमें 8 घोटाले पहले हो चुके हैं, नवा घोटाला है। अगर निगम की सही मायने में जांच की जाए तो रोज़ एक घोटाला उजागर करो तो कम है नगर निगम का। वहीं इसके दूसरी ओर जब हमने ठेकेदार कुलदीप सोनी से बात की तो सामने आया कि निगम द्वारा जिन नियमों के आधार पर निविदा का कार्य देश मिला है उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। नियमों के तहत जो राशि ऑपरेटर को पगार के तौर पर देने की बात बताई जा रही है वही राशि में ऑपरेटर और कंप्यूटर सिस्टम प्रिंटर सभी शामिल है। ऐसे में ठेकेदार सोनी ने बताया कि सरकार के द्वारा ऑपरेटर को लेकर जो राशि नियुक्त करने के लिए दी जा रही है उससे या उसमें कार्य करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है, फिर भी पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं।